हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अर्थ एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसका शेप अंडाकार है। तो जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, वैसे ही आपका थोड़ा सा ऊपर की तरफ से कर्वी और थोड़ा सा साइड में आपका पॉइंटेड एजेस रहती है हमारी अर्थ की। तो आप जो लोग हैं और हम सब जो लोग हैं, वो आपकी अर्थ की पेरिफेरी मतलब ऊपरी सरफेस पे, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, भूपरपटी बोलते हैं, उस पे खड़े हैं। तो ऐसा क्या है जो हमको इस अर्थ पे बनाए रखा हुआ है? हम लोग ब्रह्मांड में क्यों नहीं गिर जा रहे? तो सीधा सा इसका आंसर आप सभी देंगे, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको इस अर्थ पे बनाई हुई है, जिसकी वजह से हम लोग ब्रह्मांड की तरफ नहीं गिर रहे। तो फिर आपके जो रॉकेट वगैरह होते हैं, वो कैसे आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के आपका स्पेस में चले जाते हैं? इसका सीधा सा आंसर है आपका, दैट इज पलायन वेग, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी एक वेलोसिटी होती है, एक स्पीड होती है बेसिकली, जो कि आपकी रॉकेट्स वगैरह के जो थ्रस्टर और प्रोपल्शंस होते हैं, वो अटेन करवाते उस रॉकेट को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए। ये जो स्पीड होती है, ये होती है 40,270 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं, आप लोगों ने 11th और 12th और या फिर 10th क्लास में एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा? तो कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं चलूं जिससे मैं आपके ब्रह्मांड में पहुंच जाऊं? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर दीजिएगा।